अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मुखीस। अच्छा, तो काफ़ी लोग जो है इस बारे में भी कह रहे थे कि न्यूज़ीलैंड के बच्चे वगैरह कब आएंगे या कब जो है आपके पास जो फ़ीमेल उनको क्रॉस करवाएंगे। तो आज जो है इन फीमेल्स को पहले मैंने उधर दूसरी हवेली में जो रूम में जहाँ पे दूसरे रैबिट होते थे वहाँ पर शिफ्ट किया हुआ था। आज जो है मैं इनको उधर लेकर आया हूँ और इनको जो है स्केल में शिफ्ट किया है। अभी जो है इनको क्रॉस करवाते हैं मेल से, और मैं भी शायद अभी क्रॉस हो जाएँ, शायद नहीं हो, लेकिन जो है मेल को भी ला के यहाँ पे छोड़ता हूँ ताकि जो है 2-3 दिन जो है इनके साथ ही बंद रहे ताकि ये फीमेल्स क्रॉस हो जाएं। अभी जो है प्रॉपर एज की हो चुकी है, 9 महीने की हो चुकी हैं ये, और तकरीबन वेट इनका जो है 3 kg जो है प्लस हो चुका है। तो अब जो है क्रॉस होंगी, देन जो है प्रॉपर फिर ये ब्रीड पर आ जाएंगी। तो प्रॉपर एक एज पर पूरा करके फीमेल्स को उनके वेट पर पूरा करके तो ही क्रॉस करवाया जाता है ताकि जो है फिर ये सही से ब्रीड करें और वो हों। तो अभी देखें फीमेल का साइज़ वगैरह आप, तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और काफ़ी हैवी वेट में, और ये दोनों फीमेल्स हैं। ठीक हो गया, तो मेल दूसरी तरफ है, उधर जाता हूँ मैं, आपको मेल भी दिखाता हूँ और फिर ला के जो है यहाँ पे मेल को छोड़ते हैं, फिर आप दिखाता हूँ। ये वही फीड है हाई टेक की, 44 नंबर, और यही मैं इनको डालता हूँ। रात को यही डालते हैं, दिन को कोई भी घास वगैरह या कुछ होता है तो वो, तो रात को सिर्फ ये फीड डलती है। चोकर में मिला के पहले डालता था लेकिन अभी चोकर नहीं यूज़ कर रहा, अभी जो है सिर्फ ओरिजिनल फीड ही डाली जाती है। पहले 80 रुपये किलो मिलती थी, अभी यहाँ से 100 रुपये किलो मिलती है, और ये चीज़। ठीक हो गया, तो ये रही दोनों फीमेल्स, मेल उधर से लाते हैं वो दंड छोड़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। अच्छा, तो इधर हवेली में आ गया हूँ। मेल जो है ये रहा, ये न्यूज़ीलैंड का मेल है जो बड़ा है पहले का, तो ये मतलब इतना डरता भी नहीं है और साथ जो है वो होता रहता है। तो ये जो है 3.5 किलो से इसका अबव वेट है, और वो फीमेल जो है वो अब 3 किलो इससे थोड़ा ऊपर हुई हैं, लेकिन ये 3.5 किलो से भी ऊपर हो चुका है। तो इसको पकड़ते हैं, इसको वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ छोड़ते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये इधर असल में ज़्यादातर जो है ये रात को यहीं पर होता है, और कभी चरपाई पर बैठता है, कभी कहाँ जाता है, तो जो है इस तरह। तो इसका क्या है कि यहाँ पर मैं इसको जोकर वगैरह डालता हूँ और फीड वगैरह, और ये असल में इस दरवाज़े के अंदर जो है वो फीमेल इस कमरे में थी पहले, और दूसरी एक फ़ीमेल है वो भी इस कमरे में थी। तो इसको स्मेल आती है क्या, आता है उनकी खुशबू आती क्या, तो ये दरवाज़े के अंदर इधर ही बैठा रहता है आगे। तो अभी क्रॉस नहीं करवानी थी, इस वजह से जो है इसको अलग किया हुआ था, अब क्रॉस करवाना है। अब इसको वहाँ भी शिफ्ट करते हैं, और फिर ये तो ये देखें ये सही गुपलूस है, बड़े साइज़ में मेल है। ठीक हो गया, न्यूजीलैंड वाइट का मेल। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको पकड़ता हूँ, वहाँ लेके जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो मेल को जो है इधर ले आया हूँ मैं, और ये रहा मेल, इसको और फीमेल जो है अंदर बंद है वो देखें। इस मेल को भी अंदर छोड़ते हैं केज में, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मेल भी छोड़ दिया, मेल का साइज़ देखें, और जो है फीमेल्स वगैरह, तो ये अभी कुछ जो है इन्हें भगाएगा, ये खुद इससे डरेंगी, लेकिन जो है एडजस्ट हो जाएंगी। तो बस यही सिस्टम इनका चलता रहेगा ऐसे ही। तो दोनों फीमेल्स हैं, दोनों को इकट्ठा ही क्रॉस करवाना है ताकि जो है अगर कोई मसला बने, कोई मर जाती है, कुछ होता है, या किसी के बच्चों को दूध फीड नहीं करवाती, तो दूसरी फीमेल जो है उसको करवा फीड करवा लें, दूसरे के साथ शिफ्ट कर दें। तो एक बार में तो ये ऐसे होगा, ये इससे डरेंगी, दूर भागेंगी, लेकिन फिर जो है खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी। ये देख लेंगे क्या सिस्टम है, ये दूर ही भाग रही है डर के। तो इनका तो ऐसे चलता रहेगा, ये भागती रहेंगी। तो अभी जो है आज 1-2-3 दिन के लिए जो है इनको मैंने यहाँ भी शिफ्ट कर दिया। तो जब ये क्रॉस हो जाएंगी तो फिर जो है फिर मेल को अलग कर लेंगे, और बाकी फीमेल्स वगैरह जो हैं वो देखते हैं कि इधर शिफ्ट इनको रखूँ, यहाँ पे रहें, या फिर जो है दूसरा केज जो है दूसरे हवेली में दूसरा रूम जो है उधर शिफ्ट कर दूँ,
तो वहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ पे बाहर सर्दी होती है, तो अगर यहाँ पे शिफ्ट की तो यहाँ पे मुझे एक इनके लिए डरबा सा बनाना पड़ेगा जिसके बीच में ये ब्रीड करें। तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे पहले खुड्डे बने हुए तो उसमें जो है ये ब्रीड करती रहेंगी। ठीक हो गया, तो ये अब जो है इनको साथ छोड़ दिए, अब जब ये क्रॉस होते हैं देन जो है ब्रीड पे आते हैं, देन फिर मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्रॉस हो गए नहीं हुए, क्या हुआ, क्या सिस्टम है। तो ये चीज़, तो आज का तो इनका ये शुक्ल मेला लगा रहेगा, और जो है फिर जब क्रॉस हो गए तो फिर आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया, तो ये रही न्यूजीलैंड की फीमेल्स और ये मेल प्रॉपर अब जो है एज पर आए हैं, तो इसको जो है मैं आपको क्रॉस करवा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।